है। ये अलग बात के खामोश कर रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। इज्जतदार और काबिल एहतराम असातिज़ा किराम, अवर स्कूल प्रिंसिपल सर अब्दुल फताह किरियो साहब, मेरे यहाँ बहन भाइयों और यहाँ हर आए मेहमान खास को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूँ। जनाब आला, आज मुझे जिस मौजू पे लबकुशाई का मौका मिला है वो है अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर। जनाब आला तारीख आलम गवाह है कि अफराद के हाथों ही अकवाम की तकदीर होती है। एक फर्द पूरे मुआशरे का अक्कास होता है, उनमें से कुछ फर्द ऐसे होते हैं जो मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक करके मुल्क के लिए सोचते हैं और फिर नतीजा हमारे सामने है। मैं आपको मिसाल देती चलूं कराची की। इसी जमाने में खरियान पत्ते की पट्टियां मिलती थी जनाब आला, इसी जमाने में खरियान पत्ते की पट्टियां मिलती थी। और ये तो दूर की बात है जनाब आला, हर रोज बम और धमाके की आवाज आती थी, लेकिन इसके पीछे उन लोगों की तकदीरें हैं जिन्होंने इनकी तकदीर बदल डाली और आज उसी कराची में PSL के टिकट मिल रहे हैं। जनाब आला, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जना पूछा के बेटे मोहम्मद अली जिन्ना है, वो एक अफराद की शक्ल इख्तियार करते हैं, अफराद एक मुल्क बना लेती है, वो कौम एक मुल्क बना लेते हैं, और उस मुल्क में कई अब्दुल्सत्तार इसी के हिस्से जाकर कई यासिर अब्बास बन जाते हैं, और इन सब मिलकर ऐलान करते हैं, दरे गुनाहों के पापों को सरे बाजार खो जाऊंगा, दरे गुनाहों के पापों को सरे बाजार खो जाऊंगा, मिसले इब्राहिम जुल्मों के गुस्सों को तोड़ जाऊंगा, लश्कर करेगी मेरी दिलेरी पे तबसरे, लश्कर करेगी मेरी दिलेरी पे तबसरे, मर के भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। जनाब आला, क्योंकि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, जिन अफराद के हाथों में अकवाम की तकदीर होती है वो अपना नफा नुकसान नहीं सोचते, बल्कि अपने 1.5 लाख साथियों के शहीद होने के बाद भी एक मरतबा फिर उसी स्कूल में जाते हैं और दुश्मन के आंखों में आंखें डाल कर कहते हैं, तुम हद को पार करो हम सबर का दामन थामते हैं, तुम हद को पार करो हम सबर का दामन थामते हैं, तुम नाच बधाई करो हम खून बहाना चाहते हैं, तुम आओ हमको कत्ल करो हम अपनी शहादत मांगते हैं। जनाब आला, जिन अफराद के हाथों में अकवाम की तकदीर होती है वहाँ एक तरफ तंदूर पे रोटियां लगाते गए, दूसरी तरफ आला तालीम हासिल करके मुल्क का नाम रोशन करके बताते हैं, ऐसे होते हैं वो लोग जिनके हाथों में अकवाम की तकदीर होती है। जनाब आला, जरा चलिए सैयदना हुसैन के वाक्य की तरफ, यानी कर्बला के वाक्य की तरफ। सैयदना हुसैन है, उन्होंने ना सिर्फ इंसान की तकदीर बदली, ना सिर्फ कौम की तकदीर बदली, ना सिर्फ मुल्क की तकदीर बदली, बल्कि मैं कुर्बान जाऊं सैयदना हुसैन पर, उन्होंने सारी जमीन की तकदीर बदल डाली। ये देखकर दुनिया कहने लगी, जो थे फना शिकार बका मांगने लगे, जो ला इलाज थे वो दवा मांगने लगे, खून हुसैन पाक की तासीर देखिए, कर्बो बना से लोग शिफा मांगने लगे।